मैं हूं नबीला कौशल और मेरे चैनल फूड डिश रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अपने स्टाइल में एक मजेदार कटहल की सब्जी जो बहुत ही बढ़िया है, उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आइए तो फिर बनाते हैं। आइए कटहल को बनाने के लिए सबसे पहले हम कटहल को काटेंगे। हमने लिया है आधा किलो कटहल। हम लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, जिसे अच्छे से अपने हाथों पे और छुरी पर, क्योंकि इसमें एक अपनी चुपकन होती है उससे ये सब चुपक जाता है, हम जिस उसमें काटेंगे उस पर भी थोड़ा सा लगा लेंगे ताकि हमारी प्लेट गंदी ना हो। इसका छिलका ऐसे उतार देंगे। और ये ऊपर का पार्ट है, ये भी थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे। इसके अंदर बीज होते हैं, मैं तो इसको ऐसे काटूंगी बारीक बारीक। इसमें बीज होते हैं, मैं इनका भी छिलका उतारूंगी। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप ना उतारें इसका छिलका। क्योंकि ये छिलका इसमें जो ऊपर बीज जो बीजों के ऊपर कवर होता है ये गलता नहीं है, मुंह में आता है, अच्छा नहीं लगता। इसको मैं छील लूंगी। कटहल बहुत ध्यान से लेना है, पका हुआ नहीं हो बिल्कुल। अगर आप कटहल पका हुआ होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, उसके बीज सख्त होना चाहिए। ऐसे छील लेंगे बीजों को, पहले काट लेते हैं बाद में बीजों को अलग कर लेंगे। कटहल हमने काट लिया है, देखिए इस तरह से रेशे अलग अलग होंगे। ये हमारे बीज हैं जिनको हमने छील के दो टुकड़ों में कर लिया है। देखिए कितने साफ सुथरे बीज, जो खाने में भी बहुत लजीज लगेंगे। जैसे आपने देखा हमने कटहल कट कर लिया है, हमारा आधा केजी है ये कटहल। और हम इसमें डालेंगे एक मीडियम प्याज जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, और ये हमारा धनिया 1 टीस्पून, मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, और ये है 1/4 हमारे अमचूर पाउडर, 1/2 कप है ऑयल। ये हमने लिए हैं 3-4 हरी मिर्च जिनको बारीक काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया उसको भी धोकर बारीक कट कर लिया है। अब हम बनाते हैं कटहल, और हमने गैस पर रख दी है कढ़ाई। उसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, जिसको अब गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमने आधा ऑयल अलग कर लिया है क्योंकि हम आधे में करेंगे कटहल फ्राई। कटहल को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, इससे इसका जो चिपचिपापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कटहल को अब हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। कटहल हमारे देखिए अभी को फ्राई कर लिया था, गोल्डन ब्राउन हो गया हमारा। अब हम कढ़ाई में डालेंगे बचा हुआ ऑयल, जो हमने अलग कर लिया था वाला ऑयल डालेंगे। इसमें डालेंगे हम प्याज जो हमने कट करके रखी थी, इसको हम ब्राउन होने देंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप चाहें तो अपने इसमें हींग भी डाल सकते हैं, क्योंकि सब्जी में हींग अच्छी रहती है। अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ी हींग को भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, मिर्ची, नमक, हल्दी, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के भून देंगे।
अब हम मसाले को भूनते हैं थोड़ी देर के लिए। सब चीज़ें डाल के मसाले को भूनते हैं, फिर इसमें डालेंगे हम कटहल। जब तक ऑयल अलग ना हो जाए जब तक हम इसको भूनते हैं, ताकि हमारी हल्दी और इसकी धनिया की स्मेल है वो चली जाए। तेल हमारा सेपरेट हो चुका है, मसाला भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखा था कटहल, उसको डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें डालेंगे हम एक कप पानी। थोड़ा सा और डालते हैं। इसमें हमने डाला है 1.5 कप पानी। अब इसको ढककर गैस को फ्लेम कर देते हैं लो, और इसको रखते हैं 15 मिनट के लिए बनने के लिए। ये खोल के देखते हैं, अब 20 मिनट के करीब हो चुके हैं। कटहल हमारा तैयार है, देखिए पानी भी बिल्कुल नहीं रहा और गल भी गया है। आप भी बीच में खोलकर एक बार देख सकते हैं अगर पानी कम हो या गला ना हो। वैसे 15-20 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है। इसमें हम डाल रहे हैं अब जो हमारा अमचूर पाउडर था वो, बिल्कुल खुश कर लेंगे इसको पानी ना रहे। देखिए कितना अच्छा कलर, बिल्कुल बढ़िया तैयार है। अब इसमें डालेंगे जो हमने हरी मिर्च हरा धनिया काट के रखा था, उसको भी डाल देंगे। वाह, बहुत ही अच्छी मज़ेदार सब्ज़ी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर खाइएगा। जिसने भी एक बार मेरी खाई है सब्ज़ी, उसने दोबारा आप भी मर दिए। इसमें थोड़ा सा अगर चाहें तो ऊपर से गरम मसाला कर दें, और भी ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा। सब्ज़ी हमारी तैयार है, अब इसे करते हैं हम डिश आउट। ये थी मेरी कटहल की सब्जी मेरे स्टाइल में, जो मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, और जिसने भी मेरे हाथ की खाई है उसे भी बहुत पसंद आई है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।